है, चलो भाई बोलो। बक्सर हार गया था। ये ना देख लाइट पर आती यार। राम राम काका। राम राम काका, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। बहुत बढ़िया। मोर सवाल है सर, पारदर्शिता और एग्जाम कैलेंडर ले के, जैसे काका एक उदाहरण के द्वारा मैं आपने ये पूछना चाहूँ, जैसे कोई विधायक है जो चुनाव लड़ते ओला अगर हार जाते तो पता चलते कि वह कितना वोट से हारे है, या जीत जाते तो कितना वोट से जीते है पता चलते। मैं PSC के एग्जाम दे रहा हूँ काका, प्री के, और बोला पता ही नहीं चली मोर के नंबर से मैं फेल हूँ। मोर घर में बोले पूछते पास है इसकी फेल कहीं के, मैं बता दू फेल है क्यों इसी कहीं के, तो के नंबर मिली इसकी काका सुनना का। हाँ सुना था, बोले बात तो सुना था यार काका। जैसे PSC के पेपर दिला था तब बोले मोर नंबर ही पता नहीं चली, और ऐसे में अगर विधायक लगा बोल पैसे बता दी कि ते हार गए चुपचाप बैठ जाए इसे कहीं के तो फिर बखान कर देगा, तो इसने मोर इसने ये पूछना है कि मोला प्री के नंबर पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताओ ना काका। घर में मैं बोलता हूँ कि के घर में मोला पूछते कि के नंबर पास, के नंबर पास ये पूछते तो मैं बोलता हूँ नहीं जानो का घर में इस के, तो दो मुट का मारते पेपर दिला हस नंबर नहीं जाना, तो मैं कहा बताऊँ घर में अपन। इसने अभी व्यापम में हुई काका ऐसा ही मेंस के पेपर दिला है और नंबर पता नहीं है, ते फेल हो गए बस अब चुपचाप बैठ जाओ, फिजिकल प्रक्रिया चालू हो गए। कहा नाम बताते हैं? प्रणव कुमार। प्रणव अभी मार खाते जी कैसे कर रहे काका? वो माइक ने धरे राम दे और राम दे मत ले। राम राम काका। अरे रे भाई अगर सवाल के उत्तर दें दे बोला परीक्षा देवा है तो अगर नंबर पता चलना चाहिए बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत हूं तो बात से, लेकिन अभी व्यवस्था है ते मैं RTI के तहत ते निकाल सकतस। अब तक रिजल्ट आ जाए थे काका तो हम तो कोई चांस नहीं रहा, अगले साल के फिर पेपर की तैयारी करना रहते तो उसने बहुत ही एक एक साल पूरा चले गए थे काका, पूरा प्रोसेस एक साल के है, एक बार अगर फेल हो गए तो अगले दो साल तक आयोग में नौकरी नहीं मिल सकती। प्रणव प्रणव बहुत बढ़िया सुझाव है और पारदर्शिता होना चाहिए बात के मैं मोर समर्थन है, और चूंकि अब ये विधानसभा परम दिन सिरई से ये सुझाव पहली आ रही थी तो हम बिल उल ला के सुधार कर देते हैं, लेकिन अगले समय निश्चित रूप से प्रावधान कर वो प्रणव ठोरी से की व्यापम के भी एक एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब कब कौन कौन से विभाग के एग्जाम हुई, ऐसा में पूरा कवर एक साल से सुना था हमारा हॉस्टल वार्डन ADO RI सब के भर्ती निकाली गई, लेकिन एक क्या था पता नहीं है का चुनाव के डेट 6 महीने पहले सबके डेट फिक्स रहते, SSC का लो अपन डेट बता देते लेकिन हमारे एग्जाम। चलो ठीक जरूर ये बात है, जब भर्ती के निश्चित रूप से जो सुझाव है बहुत अच्छा है, इसमें अमल किया जाना चाहिए। ठीक है। राम राम काका। राम राम।